नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज हम हैं नासिक में पंचवटी तीर्थ क्षेत्र में। पंचवटी वही स्थान है जहां पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने वनवास का काफ़ी लंबा समय बिताया था और इसी जगह से रावण ने सीता जी का हरण किया था। तो चलिए पंचवटी की यात्रा शुरू करते हैं और इस यात्रा में सबसे पहले चलते हैं सीता गुफा की तरफ। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और पंचवटी की तरफ जाते वक्त विक्टोरिया ब्रिज के पास हमें फूलों का बाजार दिखाई दिया। इस बाजार से पंचवटी के लगभग सारे मंदिरों में फूल जाते हैं। श्री राम ने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ पंचवटी में अपने वनवास काल का काफ़ी लंबा समय बिताया था और इसी जगह से रामायण की कहानी को एक नया और अलग मोड़ मिला था। और यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर हम पहुँच जाते हैं पंचवटी सीता गुफा परिसर में। पंचवटी के इस परिसर में त्रेता युग से 5 प्राचीन बरगद के पेड़ हैं जिसे स्थानीय भाषा मराठी में वटवृक्ष कहते हैं और इन्हीं 5 वटवृक्ष के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा पंचवटी। ये 5 बरगद के पेड़ आज भी आप यहां देख सकते हैं। इन 5ों ही बरगद के पेड़ पर नंबर लगाए हुए हैं। ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये है 5वां वटवृक्ष। प्राचीन रामायण काल में ये पूरा परिसर दंडकारण्य का हिस्सा हुआ करता था जहां दूर दूर तक घने जंगल और पहाड़ थे। इन्हीं 5ों वटवृक्ष के पास है सीता गुफा। माता सीता की ये गुफा पहाड़ में चट्टानों को काटकर जमीन के नीचे बनाई हुई है। कालांतर में इस गुफा के आगे लकड़ी का मंदिर बना दिया गया था लेकिन गुफा आज भी वैसी ही है। चलिए इस गुफा के अंदर चलते हैं। ये मंदिर एक 2 मंजिला इमारत है जो कि काले पत्थर और लकड़ी से बनी हुई है और इसी मंदिर के अंदर से हम गुफा के अंदर चलते हैं। गुफा के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है और एक बार में एक ही व्यक्ति बैठकर अंदर जा सकता है। यहाँ हम 10 से 12 सीढ़ियाँ नीचे उतर गुफा के पहले कक्ष में आते हैं जिसे सीता शयन कक्ष कहते हैं। केवल 10x10 के इस भाग में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर हम सीता श्रृंगार कक्ष में आते हैं जहाँ पर माता सीता अपना श्रृंगार किया करती थी। और यहाँ से तीसरे कक्ष में भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है जहाँ पर माता सीता रोज शिवलिंग की पूजा किया करती थी। और यहाँ से लगभग 10 से 12 सीढ़ियाँ चढ़ हम इस गुफा से बाहर आ जाते हैं। रामायण के अनुसार इसी गुफा के बाहर से रावण ने माता सीता का हरण किया था। यहाँ पर रावण साधु का भेष बनाकर आया था। सीता गुफा के सामने ही सीता संसार की झांकी बनाई हुई है जिसका टिकट 1 रुपया है। यहाँ पर श्री राम सीता का पंचवटी संसार और रावण द्वारा सीता हरण की झांकी बनाई हुई है। इस सीता संसार मंदिर के पीछे ही सीता गुफा मंदिर ट्रस्ट की गौशाला है। इस गौशाला में आप गुड़ और घास का दान कर सकते हैं और यहाँ पर बनी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं। सीता गुफा के दर्शन कर हम चलते हैं काड़ाराम मंदिर। यह मंदिर असल में 2000 साल पुराना मंदिर है लेकिन मुगलों के आक्रमण ने इस मंदिर को तोड़ दिया था और मंदिर के पुजारियों ने असल मूर्ति को शत्रु से बचाने हेतु गोदावरी में बहा दी थी। आगे आज से 250 वर्ष पूर्व मराठा पेशवाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया क्योंकि यह मंदिर पूरे काले पत्थरों से बना है और मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां काले पत्थर से बनी हैं, इसलिए इस मंदिर को काड़ाराम मंदिर कहा जाता है। सीता गुफा के दर्शन कर अब हम चल रहे हैं रामकुंड की तरफ। सीता गुफा से रामकुंड तक का रास्ता लगभग 0.5 किलोमीटर है। आप चाहे तो ऑटो भी कर सकते हैं और चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। सीता गुफा से लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है रामकुंड। गोदावरी नदी के इस स्थान पर श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन कर नदी में स्नान किया था और तभी से यहाँ पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों और मृत्यु हुए परिजनों के मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा अर्चना कर गोदावरी में डुबकी लगाते हैं। गोदावरी के इस रामकुंड घाट पर श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ रहती है। नदी के तट पर रामकुंड के साथ ही सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और हनुमान कुंड भी बने हुए हैं। गोदावरी के तट पर रामकुंड के पास ही ये है 15 फीट की हनुमान जी की मूर्ति। जब गोदावरी नदी में बाढ़ आती है तब ये मूर्ति लगभग आधी से ज्यादा डूब जाती है। रामकुंड के आसपास गोदावरी के तट पर कई देवी देवताओं के पुरातन मंदिर है और उन्हीं में से सबसे बड़ा और पुरातन मंदिर है भगवान शिव का काल भैरव मंदिर। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं तपोवन की तरफ।
रामकुंड सीता गुफा के दर्शन कर अब हम चल रहे हैं तपोवन। तपोवन रामकुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तपोवन एक संगम स्थान है जहां पर गोदावरी नदी से कपिला नदी आकर मिलती है और इसी स्थान पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था। इस तरफ से कपिला नदी आ रही है और सामने से गोदावरी नदी आ रही है। गोदावरी का पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में बह रहा है, लेकिन कपिला नदी पूरी सूख चुकी है क्योंकि कपिला बहुत ही छोटी नदी है और गोदावरी एक विशाल नदी है। हालांकि यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी के पहाड़ में से ही गोदावरी नदी शुरू होती है, लेकिन यहां पहुंचने तक वो काफ़ी विशाल बन जाती है। बारिश के दिनों में ये जो आपको पूरे पहाड़ और ये चट्टानी दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से पानी से ढक जाती है। रामायण काल से पहले इस संगम तट पर कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था और अगस्त मुनि ने भी इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ कपिला नदी गोदावरी नदी से आकर मिलती है। नासिक के आसपास 7 छोटी छोटी नदियाँ गोदावरी से आकर मिलती है। ये जो आप झोपड़ी या कुटिया देख रहे हैं, इसी स्थान पर श्री राम लक्ष्मण और माता सीता कुटिया बनाकर रहते थे और इसी जगह पर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव के स्वाधीन कर यहाँ से आगे वो उनकी परछाई के साथ रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्दी ही रावण माता सीता का हरण करने आएगा। और क्योंकि सीता साक्षात लक्ष्मी का ही अवतार थी, रावण उन्हें छू भी नहीं पाता और बिना सीता हरण के पूरी राक्षस जाति का संहार संभव नहीं था। चलिए यहाँ के पंडित जी से ही इस जगह का महत्व सुनते हैं। ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन, सीता माता स्नान की जगह, इसको सौभाग्य तीर्थ के नाम से बोला जाता है। सामने है कपिल मुनि कपिलाश्रम। कपिल महामुनि तप करके नदी आई कपिला, नासिक से आई गोदावरी। जब रामचंद्र प्रभु वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, राक्षसों का संहार होने तक आप अपना मूल रूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव शंकर और विष्णु तीन भगवान के साक्षी से सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गए। यहाँ से राम जी ने मायावी रूप निकाला, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण जो ले गया वो मायावी सीता मूल स्वरूप अग्नि में। शूर्पणखा लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा, मूल स्थान यहाँ है। यहाँ नाक काट के गोदावरी के बाजू में डाला। नाक को संस्कृत में नासिका बोलते हैं, इसलिए वो हो गया नासिक। ये है वो स्थान जहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था। प्राचीन काल से यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है और पास में ही अगस्त मुनि की ध्यान मुद्रा में मूर्ति है। राम सीता की कुटिया के सामने ही ये एक शिवलिंग बना हुआ है। इस परिसर में ही एक सर्वधर्म मंदिर बना हुआ है जहाँ पर सभी धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। यह मंदिर काफ़ी सुंदरता से बनाया हुआ है और यहाँ पर रामायण से जुड़ी झांकियाँ भी बनाई हुई है। सर्वधर्म मंदिर के पास में ही है लक्ष्मण मंदिर। पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण का ये एकमात्र मंदिर है जो नासिक के तपोवन में है। इस मंदिर में लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में अवतरित हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है 30x50 फीट की लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का नाक काटते हुए की झांकी। हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले का शाही स्नान तपोवन के इसी संगम तट पर होता है, जहां लाखों श्रद्धालु गोदावरी के संगम में डुबकी लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये था रामायण से जुड़ा और रामायण काल का बहुत ही बड़ा स्थान पंचवटी। आपको ये स्थान, ये जगह कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जगह पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।